दीदी ये क्या कर रहे हो? ये मसाला पीस रही मैं, मछली बनाऊंगी। आपके हाथ में जलन नहीं हो रहा? हो रहे हैं, बहुत मिक्सचर में पीस लेते हैं। अरे इसका टेस्ट अलग होता है, ये हमारा बिहारी स्टाइल है समझी, सिलबट्टा पे पीसने का और मिक्सी में पीसने का टेस्ट नहीं आता। सो गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ आपको कौन सा मछली के मसाला पिसा हुआ टेस्ट लगता है, मिक्सर में या फिर क्या बोलते हैं सिलबट्टे में? क्योंकि मेरे गांव में तो मेरी मम्मी उम्मी सब सिलबट्टे में पीसते हैं। हमारे भी गांव में मम्मी इसी में पीसते हैं। हाँ इस पे ना टेस्ट अच्छा आता है इसलिए हम लोग इसी पे बनाते हैं। तो गाइस आपको दिखाते हैं हम आगे और क्या क्या डालेंगे इसमें। इसमें है धनिया, सॉरी सरसों पीली वाली और लाल मिर्च सूखी वाली, देख डंडी तोड़ के मैंने फेंका है, और ये क्या बोलते हैं लहसुन और काली मिर्च डालूंगी। अभी अभी डाला नहीं है, अभी थोड़ा भूख लूँ इसको अच्छे से। अच्छा तो रेडी। ये क्या कर रहे हो दीदी? ये मछली धो रही। देख मछली कौन सा है, कौन सा मछली है? गिर गई। ये देख ये बड़ा वाला मछली होता है। हाँ जी हमारे तरफ इसको क्या बोलते हैं, जासर। जासर हाँ जासर मछली बोलते हैं बिहार में, जासर बोलते हैं। बड़ा वाला होता है, इसमें कांटा नहीं रहता। तो ये मछली धुलाई हो रही, देख मछली की कितना खून बह रहा है, कैसे खा जाते हैं हम लोग काट काट के जानवरों की तरह। तो मछली हम बिल्कुल साफ से धोएंगे ऐसे ऐसे, बिल्कुल देख चमक गया मछली। हाँ कितने बार धोते हो? दो तीन बार तो धोएंगी धोएंगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता तो इसलिए दो ही तीन बार। अच्छा और मछली में क्या क्या डालते हो? मछली में देख अभी मसाला दिखाऊंगी तेरे को। अभी ये मैंने प्याज काटा है और टमाटर, हाँ जी ये भी डालूंगी मछली में ताकि टेस्ट आए। और इनको फ्राई भी करते हो? हाँ फ्राई करूंगी, फ्राई इसमें करते हैं हल्दी नमक और लहसुन डाल के करते हैं ताकि टेस्ट अच्छी है। बस मछली। हाय दीदी क्या कर रहे हो? हाय कितना है दीदी, ये मैं मछली के मसाला डाल रही हूँ। देख हल्दी डाल रही इसमें, हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं और नमक, ये गई पीड़ी नमक, इसमें हल्का सा काली मिर्च हो गया। ऐसे बनाते हैं मछली, सीख मेरे से कुछ। नजर उतार रहे हो नजर उतारने आती तेरे को? तो नजर इसलिए उतारते हैं क्योंकि मछली लोग देखते हैं मार्केट में, तो पता नहीं किसका नजर कैसा हो, क्या होता है कोई नजर करा देता है, नजर तो लगती है नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए मछली में नजर उतार लेना चाहिए पहले। क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो आप जानते हो बंगाली सब बेचते हैं, बिहार में तो चलो अपना लोग रहते हैं तो कोई जरूरत नहीं, फिर भी मम्मी सब उतारती है, मैंने भी सीखा है नज़र उतारना, बल्कि खुद का भी नज़र उतार लेती हूँ मैं अगर लग जाती है तो। बहुत पहले तो लग भी जाती थी मेरे को भी नज़र, तो मैं भी उतारती थी अपनी नज़र। तो गाइस कैसे हो आप लोग? मैं मछली बना रही हूँ, बताइएगा आप लोग मछली कैसी बन रही है। अगर अच्छी नहीं बन रही है तो आप लोग गार्डनिंग करिएगा, क्योंकि हमें उतना ही नहीं आता है मछली बनाने। आपको तो बहुत अच्छा आता है बनाना। तेल डाल दिया यहाँ पे, अब ये गरम होगा फिर इसको तलेंगे, तल के सारे इकट्ठे कर लेंगे, फिर इसके बाद आपको आगे से। क्या कर रहे हो दीदी? ये देख मैंने मछली को फ्राई तो कर लिया पूरा, ठीक है अब इसको बेसन मैंने लिया था, देख बेसन बेसन में इसको डिप करके तलूंगी खाने के लिए, ऐसे पकौड़ा मछली का पकौड़ा देख ऐसे डिप, बिल्कुल पतला बेसन जिसको डिप करके खाना है खा सकते हैं। भाई मैंने मछली बनाया सबके लिए, आप सबके लिए जो जो मेरा वीडियो देखता है, थैंक यू, लव यू गाइस। जैसे कि जानते हैं बिहार में ऐसा नहीं बनता है, ऐसा फ्राई करके जैसे बेसन में बहुत कम लोग बनाते हैं, तो हम बना रहे हैं फ्राई करके मछली को, तल के फ्राई करने के बाद तल रहे फिर से,
मतलब बहुत ही रिक्से काम है। तो मसाला पीस पीस के हाथ लग रहे हैं। मिर्ची इसमें चार ही डाली अभी, इससे अच्छा तो मिक्सर में पीस लेते हैं। बहुत हाथ में इतना मिर्ची लग रहा है, मन कर खूब दो साबुन से खूब दो। क्या लगाऊं गाइस, आप लोग कमेंट करिए और बताइए। येलो वेरा लगा लो, मन कर बहुत घिस घिस के हाथ धो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो ये देखिए ऐसा बनता है बिल्कुल पकौड़े की तरह। और इसको तलने में तो गाइस बहुत ही छींटे पड़े आए हैं, मेरे को पापड़ पिलने पड़ गए। तो फाइनली इसको तल दिया मैंने, बस हो गया है। तो ये फाइनली तल चुके हैं पकौड़ा, मस्त मन तो करा पूरा का पूरा खा दो, किसी को ना दो। तो ये खाने वाला पकौड़ा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग कैमरे का, इधर कैमरे का इधर देखा। ये खाने वाला पकौड़ा है, मछली का पकौड़ा है। और बाकी बात का सब्जी बनाऊंगी मैं, चार ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए पकौड़ा। सो गाइस देख, ठीक है चलो। ये मैं बस फूरन डाल दी, देख बस फूरन कैसा होता है, ऐसा होता है सारा मिक्स और ये सारा मिक्स होता है। तो ऐसे गाँव में तो सरसों भी डालते हैं, काली सरसों, और ये चटकते ही डालेंगे मसाला जो सरसों हमने पीसा था। क्या डाल रही है दीदी अब? और ये टमाटर, प्याज का पियर, ये सरसों का मसाला है, ये भी भुनेगा थोड़ी अच्छे से, ये भी भुन जाएगी फिर बन जाएगी मछली। इसमें डालेंगे पानी, हल्का सा डालेंगे अभी, भुनना है। इसके बाद भुन जाएगी फिर पानी डाल के मछली डाल, बस काम खत्म। ठीक है, ये खा रहे हैं मछली के साथ, ये मछली, मछली के साथ लाई और मछली फ्राई। आप लोगों को कैसा लगता है मुरमुरा बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मछली के फ्राई के साथ। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए गाइस। सो ये देखें आप, क्या कर रहे हो आप दीदी? बस हो गया, मछली बन गया गाइस। तो मछली को उबाल लगे ये पानी में, अच्छा मैं सारा मछली इसमें डाल दूँ डिप करने की। बस मछली रेडी है हमारी। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसमें तेल वो था सारा इसमें मैंने डाल दिया है मंगाल के। सो गाइस बाय मछली, सो गाइस बाय मछली मेरी रन के रेडी है। आप लोग बताइए कैसी लग रही है मछली, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूजा कुमारी जी ब्लॉग। थैंक यू, बाय, लव यू।